चतुर व्यक्ति है, समझदार है, तो अपना है जो कि सोचेगा कि हमको रूप नहीं गुणवती चाहिए। किया जाता है, अरे कल तू नहीं आएगा, कहाँ था यार तू? तो वो तस्वीर लगा के बैठा देता है कि ग्राहक मेरा आकर्षित होके और उस लड़की के बहाने भी हमने दुकान पर पहुँच। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही तो सामने हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो सामने, कौन को बोरे हैं, यहाँ तो गुण की पूजा होती है। रंग रूप भगवान बनाया, कोई अपने से बना है, अपने से बन के दिखाया तो रंग बहना जी हर एक माँ बहन है, इसलिए चाहे शांति हो लेकिन उनका व्यवहार क्या हुआ है? क्या हुआ था? अरे सब नाम दोस्त यार धरते थे, कल्लू गोलू इसमें नाम धरते थे। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना सिन्हा और आप देख रहे हैं भाई 24/7, जहाँ होती है हर खबर पर नज़र। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी सोसाइटी के बहुत सारे चेहरे हैं, कभी दहेज को लेकर उनके चेहरे दिखते हैं, तो कभी कलर को लेकर, कभी कास्ट को लेकर। लेकिन हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ना कास्ट पर बेसिस पे, ना कलर के बेसिस पे, ना जेंडर के बेसिस पे। लेकिन अब भी यहाँ पे क्या होता है कि आज भी समाज में ऐसा होता ही रहता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते ही है, उस कलर के बेसिस पे बच्चे को जज किया ही जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि 6 हफ्ते में पाइए गोरा निखार, जहाँ अगर आप गाना सुन लें, गाना से लेकर हर चीज़ में आपको गोरा और सांवला का डिफरेंस आपको दिख ही जाएगा। ज़्यादातर आपने गाना भी सुना होगा गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल, जिसमें भी गोरी कहा जाता है, ये नहीं कि लड़की कहा जा रहा है, वो कहते हैं गोरी। मतलब 2021 में भी ये सब चीज़ जब चल ही रहा है तो बदलाव कब होगा? आपने अभी देखा होगा, अभी शादियों के मौसम चल रहे हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है, देखा देखी भी हो रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन अभी लड़कियों को देखने को मिला होगा कि अरे इसकी बेटी तो सांवली है, अरे इससे शादी कैसे कर सकते हैं, हमारी बहू तो बिल्कुल गोरी, बिल्कुल दूध से नहाई होनी चाहिए, भले उसका नेचर बिहेवियर जैसा भी हो, लेकिन लड़की उनको जो है उनको चाहिए लड़की बिल्कुल सुंदर और गोरी निखरी हुई। हमेशा ये देखा जाता है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मन में भी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुका है, क्योंकि हमने खुद अब उनके मन में ये सब चीज़ बोया है। वो जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को देख के करते हैं, यार वो देखना देखना कल्लू जा रहा है, हम लोग ऐसे गंदे गंदे निकनेम से उसे पुकारते हैं, क्या आज तो कोयला खा के आया है क्या, इस टाइप से कहा जाता है। मतलब ये क्या चल रहा है, हम कैसी सोसाइटी दे रहे हैं बच्चों को? सोसाइटी बनती किससे है? आपसे और हमसे बनती है। जब हम ही दिमाग में उसके बच्चे के दिमाग में इतना ज़्यादा गंदा चीज़ भरेंगे तो आगे चल के वो भी लोगों को यही सिखाएगा, आगे चल के उसके जनरेशन में वो भी यही सब सिखाया जाएगा। हमको तो दुख इस बात का लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पुराने जनरेशन के लोग थे, जो बहुत ज़्यादा पुराने वाले लोग थे, उनकी सोच कितनी गंदी थी, ये बात सोच के ही मेरे को बुरा लगता है। मतलब क्या है, उनके हिसाब से सुंदर जो है वो सिर्फ गोरा रंग को ही कहा जाता है, लेकिन ये क्या है, आज जो है वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो है कमी है। अगर दहेज की बात हो जाती है तो ठीक है, मेरी बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कर ली है, बीएड कर ली है, सब कुछ है, बस सर रंग का थोड़ा दिक्कत है, तो कैसे थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि दहेज उनको ज़्यादा देना पड़ता है। पहली बात, दहेज देना सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन फिर भी वो है कि हाँ मेरी बच्ची का रंग थोड़ा डल है तो इस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा लेके बात सपटा लीजिए, बात निपटा लीजिए। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर बात होता है कि हाँ हाथ फ्रैक्चर है, हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, ये सबको आप दिक्कत मान सकते हैं, कि ये सबको कमी मान सकते हैं, लेकिन रंग पे क्या कमी है भाई? रंग आप देखिए, अगर आप बात ये समझिए कि जो अगर 2-3 लोग से पूछा गया था कि ये जो गोरा रंग है और काला रंग है, जो सांवला रंग है, ये कैसे होता है, तो वो कहते हैं शुक्ल पक्ष की जो पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, अगर इसमें पैदा हुआ है तो अच्छा गोरा है, इसमें पैदा हुआ है तो काला है। भाई रियलिटी ये है कि जो हेरिडिटरी है, माँ बाप से ही आता है बच्चा का कलर और रंग रूप जो भी है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपने पढ़ा होगा, चले कोई बात नहीं हम ही आपको बता देते हैं, मेलानिन होता है, अगर जो है जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं वो सन के जो रेज होते हैं उससे पड़ने से मेलानिन प्रोड्यूस होता है, और जितना ज़्यादा जिसके शरीर में मेलानिन होता है उतना ही ज़्यादा उसका रंग जो है डार्क होता है। अगर आप देखिएगा धूप वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके जो रंग है वो जाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस पर एक गाना भी था, धूप में ना चल रानी, रूप की रानी, गोरा रंग तेरा काला ना पड़ जाए। और भी जो हमारा अगर हम कहें तो मीडिया इसमें बहुत बड़ा हाथ देता है, मीडिया में ये दिखाया जाता है,
आपने एड्स देखा होगा, तो एड्स में ये दिखाया जाता है कि जितने भी हीरोइंस हैं, जितने भी एक्ट्रेस हैं, उनको जो है लाइट कलर रखा जाता है। बचपन से आपने ये देखा होगा कि जब भी ऐड किया गया है, जब भी कोई हीरोइन मिली है, वो सारी की सारी जो है लाइट कलर वाली दिखी है। कभी भी यहाँ पे डार्क कलर लिया नहीं गया है, मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बचपन से होता आया है, सिखाता गया है। और अगर कहें इस बात को, तो अगर हम बात करें काजोल की, आपने पहले भी उसे देखा होगा, उनका रंग जो है थोड़ा डार्क था, लेकिन बहुत सारा जो है प्रोसीजर्स किया उन्होंने, उसके बाद उनका जो है रंग 3 times लाइट टोन हो गया। अब वो दूसरे प्रोडक्ट्स का ऐड कर रही है, उन्होंने अपना बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, महंगे महंगे पैसे खर्च करे, ठीक है, और वो अब ऐड करेगी ये सब क्रीम्स के, और लोग समझेंगे कि हाँ इस क्रीम को लगाकर हम भी उसी की तरह टोन पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। उन्होंने लाखों लाखों खर्च करा है अपने बॉडी के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, तब जाके ऐसा हुआ है। लेज़र ट्रीटमेंट के बाद ऐसा सीन हो सकता है। और अगर बात करें कि ये सब होता है 4 हफ्ते में पाए गोरा निखार, जो फेयर एंड लवली कंपनी था उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई, तब जाके फेयर हटाकर ग्लो एंड लवली। अगर हम बता दें कि ग्लो जो कि सिनोनिम है फेयर का, अगर आप सुंदर कह लें, चमकदार कह लें, ब्राइट कह लें, सब कुछ एक ही चीज़ है, गोरा पे ही आता है वो चीज़। क्या मतलब है यार बना के ये सब। और हम लोग भी क्या है, हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इस बात में कि अगर अपने आप को जो है सच्ची प्रूफ करने के लिए, अपने आप का वजूद जो है वो प्रूफ करने के लिए हम लोग जाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं, जिससे क्या है उन कंपनियों को 5 billion से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इससे क्या है, अगर आप बच्चे लोग को भी सिखाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके मन में भी यही आ जाता है कि यार मेरा रंग तो सांवला है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। जब भी कुछ होगा तो उसके मन में ये आएगा, एक बार पीछे हट जाएगा वो, कि बाकी सब जो है जो सुंदर दिखते हैं, अगर हम बात करें सुंदर इन द सेंस जो गोरे लोग हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर मॉडलिंग की बात करें तो लड़कियाँ जो है वो जाती नहीं हैं, अगर लड़के का बात करें तो वो भी नहीं जाते हैं कि यार हम आगे जाएंगे, हमको नहीं लिया जाएगा। जो गोरे लोग हैं उनको लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हद तक है। यहाँ पे बात किया जाता है कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन नहीं, अभी भी ये सब जो है परंपरा चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा ही चलती आ रही है। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे बच्चों लोग को जो है वो निकनेम्स दिया जाता है, अरे कल्लू कल तू नहीं आया था, कहाँ था यार तू, मतलब ये क्या उसका एग्जैक्टली नाम है, लेकिन फिर भी वो है ऐसे सरनेम देख के उसका बेइज्जती करते हैं। उससे क्या है बच्चे लोग का जो सेल्फ इस्टीम जो होता है वो लो हो जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इस सिलसिले में लोग से हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों आज भी हम लोग जो है इस बेकार सी चीज़ पे आज भी इसको सपोर्ट करते हैं, आज भी कलर सिस्टम क्यों। तो सर आपका नाम क्या हुआ? गोलू कुमार है जी। तो आपके साथ कभी बचपन में ऐसा हुआ था कलर के हिसाब से, कि जैसे कभी आपने आपको निकनेम से बुलाया गया, कुछ भी गंदे से निकनेम दिया गया, या फिर कुछ भी कलर सिस्टम की, भाई तू तो काला है, तू तो सांवला है, इस टाइप से कभी हुआ है बचपन में? हाँ हुआ है। क्या हुआ था? अरे सब नाम दोस्त यार धरते थे, कल्लू गोलू इसमें नाम धरते थे। तो आपने कभी, आपको बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा, बोलने वाला बोले कुछ भी, इससे हमको बुरा क्या लगेगा। बचपन से ही जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनका रंग जो है सांवला हो जाता है, खासतौर पर लड़कियों के अगर रंग सांवला होता है, तो उसके माँ बाप को ये दिक्कत हो जाता है कि अरे भाई अब इसका ब्याह कैसे होगा, ब्याह में और ज़्यादा दहेज लगेगा, तिलक लगेगा। सर आपका नाम क्या हुआ? अरविंद प्रसाद। सर आप इस पे क्या कहेंगे कि जो बेटियां अक्सर जो पैदा होती है और उनका रंग अगर सांवला है, तो उनके पेरेंट्स को ज़्यादा हो जाता है दिक्कत कि अब तो इनको दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, मेरी बेटी जो है सांवली है तो ये है, इस पे क्या कहेंगे? वो हमारा समाज का सोच गलत है, इसलिए ऐसा सोचने वाला व्यक्ति सोचता है, ये उचित सोच नहीं है समाज का। जी समाज को हम और आप ही बनाते हैं, अगर हम और आप सुधरे सोच से, पॉजिटिव सोचे, तो समाज भी अच्छा होगा। लेकिन आज भी समाज जो है पीछे ही भागा हुआ है सब चीज़ से, आगे भागना नहीं, आज आगे बढ़ना नहीं चाहता है समाज। तो समाज को है जो कि जो इसके एक्टिव व्यक्ति है उसको समाज को समझाना बुझाना चाहिए, सुधारना चाहिए, ऐसा मतलब काम करने के लिए कुछ व्यक्ति यदि चाहे तो समाज में सुधार आ सकता है, और ये जो समस्या है वो हमारा सॉल्व हो सकता है। जी क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो खुद कहते हैं मेरी बेटी तो सर, अगर किसी और से बात कर रहे हैं, वो अपनी बेटी का जिक्र कर रहे हैं शादी ब्याह से रिलेटेड, तो वो कहते हैं मेरी बेटी तो सब कुछ में ठीक है, सब कुछ सही है, बस थोड़ा रंग दब है यार। तो आप देखिए अगर कुछ हो सकता है तो दहेज देके थोड़ा आगे भागे, मतलब कि घर में जो परिवार है वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं।
देखिए सुंदरता कोई बड़ा चीज नहीं है, उससे बड़ा चीज है गुण। ऐसे भी कहावत है कि रूप से बड़ा गुण होता है, तो जिस व्यक्ति को रूप भी है, जैसे मतलब कि बहुत सा देखिए कि अष्टावक्र जी के नाम सुने होंगे ग्रंथ में, तो अष्टांग से अति थे लेकिन बहुत बड़ा विद्वान थे, तो इसलिए रूप से बड़ा है गुण। तो जिस यदि जो कोई चतुर व्यक्ति है, समझदार है, तो अपना है जो कि सोचेगा कि हमको रूप नहीं गुणवती चाहिए, तो इससे तो समाज हमारा सुधर सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन किसी रूप के पीछे दीवाना है तो समझिए कि आज के डेट में उसको समझिए कि नाबत है जी, क्योंकि रूप जो है वो कुछ दिन में झुरियाँ आ ही जाना है, पर्सनालिटी और जो सोच है वो ज़्यादा दिन तक बचता है। लेकिन क्या है कि अभी तक सोच ही हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए इससे। सर आपका नाम क्या हुआ? केडी यादव। तो आप इस पे क्या कहेंगे, जो अभी भी रंग के हिसाब से भेदभाव होते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? कहीं भी अगर जॉब में भी जाओ, बड़े कंपनियां जो है वहां पे भी सुंदर चाहिए, सुंदर लोगों को लेते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? ये गलत है, ये बात सही है। उनको देखना चाहिए, उसका एबिलिटी को देखना चाहिए, उसका ग्राहक को लुभाने जाज भी देखते हैं कि बहुत से दुकान पर सुंदर सुंदर लड़कियों को बैठा के वो तस्वीर लगा के बैठा देता है कि ग्राहक मेरा आकर्षित हो के और उस लड़की के बहाने भी हमारे दुकान पर पहुंच पावे, तो हमारा माल है ये कि सेल अधिक होगा। इसलिए ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति वैसे लड़की सुंदर को बैठाते, बशर्ते उसके पास गुण विशेष कुछ भी नहीं हो लेकिन सुंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति को है जो कि बैठा के अपना माल सेल करने के लिए अपने दुकान पर ये कुल लोग बैठा देता है कि हमारा माल। अच्छा सर, यहाँ पे सुंदर इक्वल्स टू गोरा, तो इस पे क्या कहेंगे? सुंदर मतलब गोरा होता है क्या? गोरा जो है वो सुंदर है? नहीं, गोरा कोई जरूरी नहीं कि गोरा सुंदर, बहुत सा सामली जो भी होती है तो गोर से भी जो शरीर का कंट्रक्शन होता है उससे है जो कि सुंदरता और कुरूपता को भी परखना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है पूरा समाज अलग ही सोच में डूबा हुआ है। अगर आप मूवीज देख लीजिए तो वहाँ पे आपको सामने लोग बहुत मुश्किल से एक दो मिलेंगे, मिलेंगे भी तो वो साइड वाले किरदार निभाते हैं, मेन रोल तो सुंदर मतलब जो चमकते धमकते जो गोरे लोग हैं उनको लिया जाता है। हमारा नाम सरली प्रसाद है। अच्छा सर, आप हमको ये बताइए कि लड़की देखने गया है, चार पाँच लोग लड़की देखने गया है, वहाँ पे उसको सब कुछ है, बिल्कुल टैलेंटेड है वो, ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो कलर उसका डाउन है, ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है, पांच लोग जाता है और उसको रिजेक्ट करके आता है, और ये एक परिवार नहीं, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार ऐसे रिजेक्ट करते जाता है, तो उस जो है उसके दिल पे ठेस पहुँचता है, तो इस पे क्या कहेंगे, क्यों करते हैं ऐसे लोग? इसकी सोलह आना गलती है, थोड़ा रंग रूप भगवान बनाया, कोई अपने से बना है, अपने से बन के दिखाया तो रंग रूप, इसलिए अगर समाज जो ऐसा करता है वो बहुत बड़ा गलती करता है। हमने सब ये तो ऊपर का दिन है, रंग या रूप या सुंदरता जो भी है या उसके ऊपर का दिन है, तो ऊपर वाला का दिन है तो हम आप क्या कहिएगा, इसमें अगर समाज उसको छाड़ देता है तो गलती नहीं करता है, वो अपना बच्ची को अगर मान लिया कि सुंदर बहुत है उसको नीचे कर दे या नीचे से ऊपर कर दे तब ना वो छाड़ सकता है। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि भले उसका जो भी बिहेवियर अगर आपकी हो या जो भी है, हमको तो चाहिए एकदम से गोरी चिकनी एकदम बिल्कुल लड़की चाहिए। ऐसा भावना है तो गलत है, ऐसा नहीं मानव को होना चाहिए, हर एक के माँ बहन है, इसलिए चाहे शांति हो लेकिन उनका व्यवहार ठीक रहना चाहिए, आचरण ठीक रहना चाहिए, गोरी रहे आचरण ठीक है, सास ससुर पति का सेवे नहीं करें, शांति हैं जो हाँ शांति हैं जो आज्ञा के पालन कर रहे हैं तो सबसे अच्छा वो है। मानव को चाहिए कि चाहे वो शांति रहें लेकिन व्यवहार करते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने लोगों से बात किया, उनके विचार समझ आए हमको, कोई कह रहे ये सब चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सोसाइटी जो है हमसे बनती है, हम और आपसे सोसाइटी बनती है, अगर हम और आपकी सोच अच्छी रहे तो सोसाइटी बिल्कुल अच्छी बनकर आएगी। जो भारत है हमारा देश है, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के फेस्टिवल है, तरह तरह के रंग है और सबका सम्मान होना चाहिए, ये नहीं कि वो सांवला है ये गोरा है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहल किया, जो पिछले जो पुराने कुछ लोग हैं उन्होंने पहल किया, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? कब तक ये सब चीज़ जो समाज के लिए बहुत गंदी चीज़ है कि हम लोग कलर के ऊपर लेके ये सब चीज़ कर रहे हैं, कब तक ये चीज़ लेके चलते रहेंगे?
ये सब चीज़ खत्म करने का टाइम आ गया है। हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी ये सब चीज़ सोचना बंद करें, समाज को बिल्कुल अच्छा समझिए। अगर आप शादी में लड़कियों को देखने जाते हैं तो उनके विचार को समझिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए, ये नहीं कि वो किस कलर की है। कलर के हिसाब से कुछ नहीं होता है। हम लोग काले कलर से दूर भागते हैं लेकिन काला कलर ही पसंद करते हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं, और ये कलर तो बिल्कुल मत जाइए, पर्सनैलिटी पर जाइए, देश जो है तरक्की होगा, हमारा फ्यूचर जो है तरक्की में होगा। बच्चे जो है छोटे बच्चे, उनके मन में पॉजिटिविटी सिखाइए, अच्छा चीज़ सिखाइए, सकारात्मक चीज़ सिखाइए, नकारात्मक चीज़ नहीं, क्योंकि आगे चलकर उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है कलर के हिसाब से। इसलिए हम भी आपसे अपील करेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप जो है देश को अच्छा बनाइए, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाइए, खुद को अच्छा बनाइए। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन गणेश के साथ करना सिन्हा, फाइव रिपोर्ट से मैंने बिहार, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे अगर और टॉपिक से अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम बात करें तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हम आपको दिखाते रहेंगे। और आपसे आखिरी बार फिर से अपील करते हैं कि प्लीज़ अपना जो सोच बदलिए, अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर ले जाइए। ये सब जो नकारात्मक चीज़ें हैं इनसे दूर रहिए। कलर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, और कितना क्या आपकी पर्सनैलिटी है। शुक्रिया।